नमस्कार दोस्तों, छोटे टैंक्स या कहें टैंकिटीज की शुरुआत क्यों की गई, इनको किसने रिप्लेस किया और आज के चैलेंजेस को देखते हुए इनको कितने अलग अलग मिशंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर पैदल चल रहे सैनिकों को दुश्मन की तरफ से बुलेट्स का इस्तेमाल करके घायल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है या उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। रास्ते में कई तरह के जंगली जानवर भी हो सकते हैं। फॉरेस्ट एरिया में जहरीले स्नेक्स का पाया जाना तो बहुत साधारण सी बात है। फिर कई इलाकों में या तो एक्सट्रीम कोल्ड है या बहुत ज्यादा गर्मी, तो ऐसे हालातों में भी सोल्जर्स को सही सलामत रखने के लिए शुरुआत हुई आर्मर्ड व्हीकल्स की या कहें टैंक्स की, जिनमें पावरफुल कैनन्स भी लगाई जा सके, ताकि इनके अंदर बैठे सोल्जर्स तो दुश्मन की बुलेट्स और ग्रेनेड के हमलों से बच जाएं और बदले में दुश्मन के सैनिकों उनके व्हीकल्स, उनकी सप्लाई चेन, उनके बंकर्स को पावरफुल अटैक के साथ बर्बाद कर सकें। पहले छोटे आकार के टैंक्स बनाए जाने लगे, इन्हें टैंकटीज कहा जाता था। ये तेजी से आगे जाकर निगरानी का काम कर सकते थे, फुट सोल्जर को कवर फायर दे सकते थे, फूड एम्यूनिशन और मेडिसिन्स की सप्लाई चेन की सुरक्षा कर सकते थे। इनकी कामयाबी को देखकर इनका साइज बढ़ाया जाने लगा और फिर एक समय तो ऐसा आया कि दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बना लिया गया, जिसका नाम लैंड क्रूजर P-1000 था। इसका वजन 1000 टन था। इसमें दो बेहद पावरफुल 280 mm कैलिबर की कैनन्स लगाई गई थी। इसके अलावा दुश्मन के फाइटर जेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने लायक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स भी इसमें लगाए गए थे। 200 किलोमीटर की रेंज वाले इस P-1000 टैंक की टॉप स्पीड 40 किलोमीटर पर आर थी। उम्मीद तो की गई थी कि इसे कोई नहीं रोक सकेगा और यह दुश्मन के इलाके में तबाही मचा देगा, यानी दुश्मन के सोल्जर्स इसे देखते ही भागने लगेंगे। लेकिन इतना भारी टैंक किसी भी ब्रिज को पार नहीं कर सकता था, यानी कोई भी नदी नाला बीच में पड़ते ही इसका रास्ता रुक जाता था। साथ ही इतना बड़ा साइज होने के कारण इसे ट्रैक करना बेहद आसान था और एक बार ट्रैक हो जाने के बाद इसके ऊपर एयरक्राफ्ट से और दूसरे तरीकों से अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय ही कर दिया जाता था। तो कुल मिलाकर कहें तो यह सुपर टैंक एक फेलियर ही साबित हुआ। उसके बाद से जो मेन बैटल टैंक बनाए गए, उनका वजन 40 टन से लेकर 70 टन तक ही देखने को मिलता है। ये टैंक्स ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। इनकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। इनकी कैनन की फायर पावर भी ज्यादा है। दुश्मन की बुलेट्स को रोकने के लिए इनमें बहुत हैवी आर्मर प्लेट्स भी लगाई गई हैं। तो ये मेन बैटल टैंक इतने सफल रहे कि ज्यादातर देशों ने छोटे आकार के टैंक्स, जिन्हें टैंकिटीज भी कहा जाता है, इन्हें भुला दिया और इनकी जगह पर इसी तरह के बड़े आकार के टैंक्स बनाए जाने लगे। लेकिन समय के साथ ये मेन बैटल टैंक्स भी अब ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह गए हैं। मात्र $50,000 की कीमत की एंटी टैंक मिसाइल इन $5 मिलियन की कीमत वाले टैंक्स को आसानी से अपना निशाना बना पा रही हैं। इन एंटी टैंक मिसाइल से बचाव के लिए रिएक्टिव आर्मर लगाए गए, तो फिर टैंक्स को बर्बाद करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर और खासकर ड्रोन्स आ गए। MQ-9 और TB-2 जैसे ड्रोन्स तो काफी दूरी और काफी ऊंचाई से इन मेन बैटल टैंक्स को अपना शिकार बनाने लगे। फिर छोटे आकार के कामिकाजी ड्रोन्स का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। अब तो छोटे कमर्शियल ड्रोन्स भी पावरफुल शेल्स को पूरी एक्यूरेसी के साथ इन मेन बैटल टैंक्स के ऊपर गिराकर इन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दोस्तों, इन मेन बैटल टैंक्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रेवल तो कर सकते हैं, लेकिन ये तेज मैन्यूवर्स करके एंटी टैंक मिसाइल से बचने की काबिलियत नहीं रखते हैं। साथ ही ये बेहद महंगे भी हैं। ये फ्यूल भी काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिस कारण इनको इस्तेमाल करना बेहद खर्चीला होता है। ब्रेकडाउन होने पर इन्हें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस भी चाहिए। ये ज्यादा वजन और बड़े साइज के कारण माउंटेन्स में भी इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं। तो वापिस से छोटे टैंक्स या कहें टैंकिटीज को इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस हो रही है। जिस जर्मनी ने P-1000 के रूप में सबसे बड़ा टैंक बनाया था, वही जर्मनी अब इसी तरह के छोटे टैंकिटीज को इस्तेमाल कर रहा है। अब दूसरे यूरोपियन देश व कई अफ्रीकन देश भी इनको खरीदना चाहते हैं। जर्मनी के वीजल टैंकिटी की लंबाई सिर्फ 3.55 मीटर्स की है। ये हमारे देश में इस्तेमाल होने वाली छोटी कारों के बराबर है। इनका इस्तेमाल सिविलियन एरिया यानी रिहायशी इलाकों में भी, दंगा प्रभावित या हिंसा प्रभावित इलाकों की तंग गलियों में भी हो सकता है। 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रेवल करने के लिए बनाए गए वीजल टैंकिटी की रेंज
200 किलोमीटर तक है और मात्र 4 टन का वजन होने के कारण इन्हें लड़ाई के मैदान में या हिंसा प्रभावित इलाकों में आसानी से एयर ड्रॉप किया जा सकता है। C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पेलोड कैपेसिटी 20,000 किलोग्राम की है, यानी यह एक भी 50 टन वजनी मेन बैटल टैंक को कैरी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी C-130 जेट में 4 से 5 टैंकटीज को ले जाया जा सकता है और फिर पैराशूट की सहायता से इन्हें सही जगह पर एयर ड्रॉप भी किया जा सकता है। इन्हें हेलीकॉप्टर से भी आसानी से कैरी किया जा सकता है। ये टैंकटी कार जितने छोटे जरूर हैं, लेकिन इनमें पावरफुल ऑटो कैनन को लगाया गया है जो दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकल तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इन टैंकटीज को अलग अलग रोल और अलग अलग मिशंस के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। इनको अनमैंड तरीके से रिमोटली भी ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई करके इनके ऊपर कई एंटी टैंक मिसाइल्स को लगाया जा सकता है। इनसे छोटे निगरानी वाले ड्रोन्स को लॉन्च किया जा सकता है। विजल टैंकटी में ऑटो कैनन के साथ साथ ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाए गए हैं। इन टैंकटीज को मॉडिफाई करके फुट सोल्जर्स के लिए राशन, फ्यूल, एम्यूनिशन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को कैरी करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके ऊपर पावरफुल जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स लगाकर इनका इस्तेमाल स्वार्म ड्रोन्स के अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे रिमोटली ऑपरेटेड ड्रोन्स होते हैं, वैसे ही ये टैंकटी रिमोटली ऑपरेटेड टैंक का रोल भी निभा सकते हैं, जो दिन हो या रात हर माहौल में दुश्मन के सोल्जर्स को आगे बढ़ने से रोके रख सकते हैं। भारत इनका इस्तेमाल अपने बॉर्डर्स को सिक्योर रखने के लिए भी कर सकता है। ये छोटे आकार के होने के कारण माउंटेन्स में अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं और इन्हें मेकशिफ्ट ब्रिजेस के ऊपर से भी गुजारा जा सकता है। छोटे आकार के होने के कारण वे ज्यादा मैन्यूरेबल होने की वजह से इन्हें ड्रोन्स या एंटी टैंक मिसाइल से भी टारगेट करना बेहद मुश्किल है। इन टैंकटीज को कम कीमत में बेहद जल्दी बनाया जा सकता है और ये काफी फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं। दोस्तों, टैंकटी को ही मॉडिफाई करके आर्मर्ड व्हीकल बनाए गए हैं जो सोल्जर्स को सेफली खतरनाक इलाकों में ट्रेवल करने की सुविधा देते हैं। अब टैंकटीज में कंटीन्यूअस चेन ट्रैक्स की जगह पर बुलेट प्रूफ टायर्स भी लगाए जा रहे हैं। इससे इनकी मेंटेनेंस काफी कम हो जाएगी, फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और इनकी स्पीड भी बढ़ाई जा सकेगी। दोस्तों, इन टैंकटीज के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये मेन बैटल टैंक या सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर जितनी फायर पावर नहीं रखते हैं और इसीलिए ये उनकी जगह नहीं ले सकते हैं। इनका प्रोटेक्टिव आर्मर नॉर्मल राइफल की बुलेट को तो रोक सकता है, लेकिन आर्मर पियर्सिंग हाई कैलिबर की बुलेट का सामना ये नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए अब छोटे आकार के टैंकटीज को मेन बैटल टैंक की रिप्लेसमेंट नहीं माना जाता है, भले ही मेन बैटल टैंक अब ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। टैंकटीज को मेन बैटल टैंक को सप्लीमेंट करने के लिए, उनका साथ देने के लिए व उनके चैलेंजेस को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर इनका इस्तेमाल देश के अंदर मौजूद चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए किया जाता है। कोई भी देश अपने देश के ही लोगों पर टैंक्स का इस्तेमाल करने की बदनामी नहीं लेना चाहता है। ऐसे में अगर कभी जब शहरों या गांवों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाए, तो ये टैंकटीज ऐसे इंटरनल चैलेंजेस के लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन के तौर पर सामने आ सकते हैं। दोस्तों, भारत को भी जब लद्दाख जैसे इलाकों में आर्मर्ड व्हीकल की जरूरत महसूस हुई जिन्हें एयर ड्रॉप किया जा सके और जो एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी के कारण सोल्जर्स को इतनी सर्दी में भी मुस्तैद रख सके, तो भारत ने भी लाइट टैंक को बनाने की शुरुआत की और साथ ही इसी तरह के लाइट वेट टैंक्स को दूसरे देशों से भी खरीदने की बात हुई। इन लाइट वेट टैंक में अच्छे मजबूत व मोटे आर्मर का इस्तेमाल किया जाएगा व इनमें फायर पावर को भी काफी ज्यादा रखा जाएगा, इसलिए इनका वजन जर्मनी के विजल टैंकटी की तरह 3 या 4 टन ना होकर 25 से 30 टन तक का रहेगा। दोस्तों, ये थी छोटे आकार के टैंकटी को लेकर एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।